हाँ भाई, कब से दुकान लगा रहा है यहाँ? मैडम 3-4 हफ्ते से लगा रहा हूँ। अच्छा, तो हमारा कमीशन क्यों नहीं पहुँचा अभी तक? मैडम कमीशन? अरे मेरे एरिया में दुकान लगाई है तो मुझे भी तो कुछ पैसे मिलने चाहिए नहीं? मैडम मैं तो पूरे दिन में 400-500 रुपए कमाता हूँ, उसमें से कमीशन कहाँ से दूंगा आपको? अरे तो क्या हुआ, यहाँ के सारे दुकानदार हर हफ्ते पैसे पहुँचाते हैं हमारे यहाँ, तू तो कोई तोप है नहीं, तो चल निकाल निकाल पैसे। मैडम अभी तो बस 500 रुपए है मेरे पास। अरे साहब थोड़े तो लौटा दीजिए, मैं घर क्या लेके जाऊंगा? मैडम बोलिए ना, थोड़े तो देंगे। एक तो मैं तुझे 500 रुपए में छोड़ रही हूँ और उसमें भी तू रोए जा रहा है, अगले हफ्ते से 1000, समझा? मैडम मेरी बात तो सुनिए, कुछ तो दे दीजिए, मेरे बच्चे घर में भूखे होंगे। साहब साहब थोड़े पैसे तो लौटा दीजिए, साहब साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। ए सुन इधर आ। नमस्ते मैडम, कहिए। अच्छा अपना ये जो तामझाम है ना, हटा यहाँ से। क्यों मैडम, क्या हुआ? आपको हर हफ्ते पैसे तो पहुँच जाते हैं ना? 1000 दे रहा है ना, अगर यहाँ दुकान लगाना है तो 3000 देना पड़ेगा। मैडम 3000 रुपए कहाँ से लाऊंगा, मेरी तो महीने की कमाई कुल 3000 रुपए है। मैं सब देख रही हूँ, बहुत पैसे छाप रहा है ना तू। नहीं नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, मैडम 3000 रुपए नहीं हो पाएंगे। नहीं दे सकता? ठीक है सौरभ, फेंक दो यार इनका सामान पूरा। अरे मैडम ऐसा मत कीजिए, मैडम साहब को रोकिए, मैडम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैडम मैडम बर्बाद हो जाऊंगा, साहब को रोकिए ना मैडम, मैडम आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैडम रोक लीजिए साहब को। अरे अरे साहब साहब ऐसा मत कीजिए, साहब हाथ जोड़ता हूँ आपके, साहब साहब मैम साहब, मैम साहब हाथ जोड़ता हूँ, रोक लीजिए उनको, रोक लीजिए साहब, मैडम मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उनको रोक लीजिए। सौरभ और सुन, दोबारा इस एरिया में नहीं रुकना चाहिए। जी मैडम। आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? मैम इतनी हाइट का है, सावले रंग का, ये उसकी फोटो है मैम। नहीं मैम मैंने नहीं देखा, आप आगे पूछ लीजिए। आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या कहीं पे? मैम आपने मेरे बच्चे को देखा क्या कहीं? ये उसकी फोटो है। नहीं ईशु, तू ठीक तो है? मेरी वजह से तेरे दुकान का नुकसान क्या हुआ, इसका बदला तू मेरे बच्चे से लेगा? तेरी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? तेरी तो मम्मा नहीं, इनको मत मारो, इनने तो मेरे को किडनैप होने से बचाया है। ओए, ओए छोड़ो बच्चे को, क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो। बेटा बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? घर कहाँ है तुम्हारा? ठीक है चलो मेरे साथ। बल्कि आपको तो इन्हें शुक्रिया करना चाहिए था, आप इन्हें मार रहे हो। भैया मुझे माफ कर दो,
मैंने पहले भी आपके साथ बहुत गलत किया है और आज जब आपने मेरे बच्चे की जान बचाई तब भी मैंने आपको ही गलत समझा। वैसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मैम साहब, इस हालत में हर माँ ऐसे ही करती। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस एक वादा कीजिए, आज से अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करेंगे और कभी भी किसी भी गरीब आदमी को नहीं सताएंगे। ज़रूर। अच्छा मैम साहब, मैं चलता हूँ। बेटा अपना ध्यान रखना। अच्छा सुनो। जी मैम साहब। कल मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगी, वहां पे तुम अपनी दुकान लगा लेना, बहुत सही चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विद्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में देखें। जोर से बोलो हैप्पी डीडी।